हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना। सर ठीक है, सर ठीक है। चलो, द फाइव किंगडम क्लास, द फाइव किंगडम अंडर द लिस्ट जो है, पांचों क्लासिफिकेशन जो है या पांच किंगडम जो है बेसिकली, वो कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। ये तो सारे तीन नए वाले हैं, फिर तो पढ़ने वाले भी हैं, प्लांटी एनिमिलिया। एक करके पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा तो क्या कह रहा है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं इनके अंदर, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, उस तरह के जो लिविंग बींग्स आती है वो मेनली बैक्टीरियाज होती हैं। वो मेनली क्या होती हैं? बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है सर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का मतलब है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक मतलब इसके अंदर एम्बो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, किसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। यूनिसेलुलर मतलब जिसको सीखें अलाउ। ठीक है, द न्यूक्लियर मटेरियल यानी जो डीएनए का जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल, इन दिस सेल, वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डॉट बीन एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं, वो सेल के अंदर ही होते हैं। दिस कंडीशन द सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। वाह प्राण न्यूक्लियस मतलब बहुत प्राण न्यूक्लियस जो पहले से ही प्रेजेंट है, अलग से पहले से ही है, यानी सेल पहले से ही है, यानी सेल में पहले से न्यूक्लियस है, अलग से न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी सेल्स के अंदर है ना। दे आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक मिटोकॉन्ड्रिया। डिवाइड मतलब क्या? वंचित, यानी इनमें नहीं होते, इनमें नहीं होते हैं, होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं? इनमें कुछ मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नल्स नहीं होते हैं सब। मतलब एग्जाम्पल कह रहा है मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नहीं होते, इनके अंदर ही नहीं होते हैं ना। अब इसके अंदर मेन पॉइंट सेलुलर है, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, एक्सप्लेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, इसी को प्रोकैरियोटिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती है। इसके अंदर अलग से नहीं होता, पहले से ही होते हैं सेल के अंदर डीएनए, है ना। तीन पॉइंट भी याद रख लोगे तो ठीक है, चार की जगह वैसे चौथा भी आप कर सकते हो, चार नंबर में पूछ लेंगे तो चार भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाला बता रहा है कि इसके अंदर क्या चीज नहीं होती, क्या चीज नहीं होती। ठीक है, चार पॉइंट तो आपको याद कर सकते हो मतलब, और एक फिर आप चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, चल रही है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मोस्टली यूनिसेलर, ये यूनिसेलर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मोस्टली, यानी कुछ ही होते हैं, होते हैं, होते हैं। तो लिखा है दीज आर